आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब विधानसभा चोणां दी सियासी जंग पहली बार लड़न दे लई मैदान विच उतरी है। मौका भावें पहला है पर लोक सभा चोणां दा तजुर्बा जरूर हासिल है अते इसे लई हर उम्मीदवार जित दा दावा पेश कर रहा है। पंजाब विच इतिहास सिरजण दी गल कही जा रही है। गल करदे आं आम आदमी पार्टी दे राजपुरा हल्के तो उम्मीदवार आशुतोष जोशी दे नाल जो कि साडे नाल इस वेले चक दे टीवी ते फोन लाइन दे जरिए जुड़े ने। आशुतोष जी, चक दे टीवी दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला तो यही जानना चाहवांगे तुसी कितना बड़ा आधार अपनी पार्टी लई देख रहे हो आगामी विधानसभा चोणां दे विच। मुकम्मल हिमायत है जी, पूर्ण रूप नाल, कोई हर वर्ग बहुत सहायता है ते बहुत खुद पहुंच रहा है आम आदमी पार्टी कोल। इस करके जो ये संकेत होण तां समझ लो भी कोई गली मोहल्ला ते कोई पिंड नहीं बचता ते काफी ज्यादा रिस्पांस है। आम आदमी पार्टी नूं बाहरी कहा गया, बेतजुर्बेकार कहा गया, ए भी कहा गया कि इन्हां नूं पंजाब दे मुद्दियां बारे पता ही नहीं। इन्हां सवालां दे नाल उम्मीदवार जो कि चोण प्रचार कर रहे ने किस तरह डील करदे ने? देखो ये तो हैगा कि थोड़ा जिहड़ी कोई भी बच्चा नवा हुंदा उहनूं खड़ के तुरंत भज्जण च वक्त लगदा, लेकिन मैनूं लगदा सी बहुत छेती सिख रहे हैं ते रब भी साडे नाल है, सब तो वड्डी गल है। एंड जिहड़ी साडी मशीनरी है, जिन्हें भी साडे ह्यूमन रिसोर्सिज ने, जिन्हें भी ते वो बहुत जज्बे दे नाल जुड़े हैं, सोच दे नाल जुड़े हैं, सही राह ते तुरे हुए हैं। इस करके सुनर और लेटर असी मतलब साडा वो नैटवर्क जी दी सियासी तौर ते इलेक्शन लड़न वास्ते बहुत लोड़ हुंदी है, वह बहुत तेजी दे नाल बन गया। तो इस करके दूजी गल भी एक बदल दी अच्छी डेमोक्रेसी च, खासकर जिस तरह के सिस्टम इत्थे चल रहे सीगे जिहड़ी लोकशाही दे डेमोक हो अपना डायनामिक्स है वह हुण बहुत वड्डे पद्धर ते साडे फेवर च है जी। एंड पब्लिक ओपीनियन साडे फेवर च है ते अल्टीमेटली तो इट्स अबाउट पीपल्स ओपीनियन। तो ओपीनियन आम आदमी पार्टी दे बिल्कुल हक च है जी। जिहड़ा राजपुरे दा जिस तक सवाल है, कोई भी जिहड़े थोड़ा बहुत विरोध होया सी वो इस वक्त 100% है, जिहड़े जिन्ने भी साडे वॉलंटियर सीगे या जिन्ने भी अहुदेदार से सारे पार्टी कोल आ गए जी। विरोधियों ने बहुत कोशिशां कीतियां, उन्होंने कोई घर जाके दो दो तीन तीन चार चार घंटे दी मीटिंगां डराया धमकाया भी, हर तरह का प्रेशर भी पाया, लेकिन वॉलंटियर अखीर मतलब पक्के रहे ते जिहड़ी सोच दे नाल तुरे हुए हैं उहदे नाल वापस आके जुड़ गए। पार्टी विच पंजाबियां दी ना चलण अते दिल्ली दे हाथ विच हुकूमत होण, इस इल्जाम नूं तुसी किस आधार उते बेबुनियाद मानदे हो जां फिर कुछ सच्चाई है इस विच? मैं सोचना जी जिहड़ी इह सिलेक्शन प्रोसेस है ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, बिना किसी निजी संपर्क होण कारण या किसी इहो जे भावना दे अधीन कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। इस करके जिहड़े इह कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर लगता है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे बाहर का हो, मॉडल सही मॉडल है, होर पार्टियां भी डिप्लॉय कर दी इनू, क्योंकि जिहड़ा डिसीजन सिलेक्शन का प्रोसैस है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ नू कोई भी करे, चाहे क्योंकि दिल्ली की लीडरशिप भी है जी, मान लो तो वो भी इंट्रस्ट तो पंजाब का मुख है। मैं भी राजपुरे की कैंपेन में आप चला रहा, किसी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं, मैंने डायरेक्शन जरूर आनी है वो तो किसी भी पार्टी के फॉलो करनिया पैनी है जो पार्टी का मॉडल है। तो जिहड़ी इलेक्शन है वो बहुत स्ट्रैटेजी के नाल व्यूतबंदी नाल लड़िया जानी है, तो ये वास्ते एक सेंट्रल प्लानिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिलीवरी लोकल होनी है। इस करके उत्थे कोई ऑपरेशनल इंटरफेरेंस किसी की नहीं हैगी, बाकी इल्जाम लगते रहने जी तो हिस्सा है कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा आशुतोष जोशी जी, चक दे टीवी दे नाल जुड़न दे लई, ए तमाम जानकारी साडे दर्शकां तक पहुंचाउण दे लई।